जय हिंद दोस्तों, देखिए आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम बात करेंगे जो एनटीपीसी का जो शेड्यूल है वो जारी हो गया है। अब देखिए ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। देखिए मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो कब शुरू होगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के जो नोटिफिकेशन आए उनके बारे में। देखिए एक एनटीपीसी से संबंधित है और एक है ग्रुप डी से संबंधित। देखिए सबसे पहले एनटीपीसी का जो शेड्यूल जो एग्जाम था वो जुलाई के अंदर कंप्लीट हो गया था, सारे जो फेज थे। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है कि फर्स्ट सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो जनवरी 2022 के अंदर 15 जनवरी 2022 के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी कि 15 जनवरी को रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके कितने दिन बाद, मैंने आपको पहले ही बोला था लगभग एक महीने के लगभग ही टाइम मिलेगा, तो इसके अंदर लगभग एक महीना दिया गया है। सीबीटी 2 जो हो 14 से 18 फरवरी के बीच में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक स्पेशल नोटिफिकेशन पॉइंट भी दे रखा है कि अगर कोविड के केस बढ़ते हैं, यानी कि कोविड की गाइडलाइंस के आधार पर ही ये एग्जाम करवाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर कोरोना बढ़ता है तो इस एग्जाम को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। देखिए वैसे हमें तैयारी जो हो 14 से 18 फरवरी को मानकर ही करनी है, जिनका सीबीटी 2 के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसके आंसर की और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए अगर इसी आधार पे हम देखें तो अगर जल्दी करें तो मार्च के अंदर इसका जो आंसर की है वो जारी हो जाएगी और रिजल्ट जो हो अप्रैल से मई महीने के अंदर आपको पूर्णतः देखने को मिल सकता है। इसका एनटीपीसी का रिजल्ट मई से या अप्रैल और मई के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ग्रुप डी की तो 15 जो दिसंबर है इस दिन जो इसका नोटिफिकेशन लिंक जो हो वो एक्टिवेट हो जाएगा। आज का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप देख सकते हो, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर शेयर कर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ में ही आप नोटिफिकेशन लिंक के साथ में आप अपनी जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन है उसके अंदर देख सकते हो, ये चीज मेंशन है कि आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। ध्यान रखिएगा इसके लिए आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, वो आपके पास होना जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं मेन मुद्दे की, इसका एग्जाम कब तक होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, आपको थंबनेल पर भी दिख गया होगा कि इसका एग्जाम मार्च के अंदर होगा। देखिए बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा, और एक दिन मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था, जो अहमदाबाद का आरआरबी है उसने आरटीआई रिप्लाई के अंदर यही जवाब दिया था कि पहले सीबीटी 2 होगा। वो वीडियो मैंने पहले डाला था, काफी दिन हो गए हैं, आप चेक कर सकते हो कि सीबीटी 2 जो हो वो पहले होगा। इसके जस्ट बाद में जैसे ही सीबीटी 2 क्लियर होता है, यानी फरवरी के लगभग आधी फरवरी के अंदर ये सीबीटी 2 जो हो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद में जो हो ग्रुप डी करवाया जाएगा, तो इसी आधार पर ये एग्जाम जो हो मार्च के अंदर शुरू हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि ये एग्जाम सीबीटी 2 के बाद में होगा, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आ गया है, आप देख सकते हो सीबीटी 2 फरवरी के अंदर है। तो मैं आपको बता दूं ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो मार्च के अंदर कंफर्म 100% आप मान लीजिए मार्च के अंदर शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो पहले ही भी बताया था जिसके अंदर अहमदाबाद का जो रेलवे जोन है वहीं से आरटीआई रिप्लाई आया था, इसके अंदर ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो सीबीटी 2 के बाद में होना बताया था। ठीक है, वो आप वीडियो अगर नहीं देखा तो आप चेक सकते हो, कंफर्म मार्च के अंदर जो हो ग्रुप डी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो मार्च को फाइनल मानकर जो अपनी तैयारी है वो जरूर शुरू कर दीजिएगा, अपनी तैयारी जोरों शोरों से, और ये जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी अगर आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो। मैं आपको पहले ही बता दूं इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि बच्चे बहुत से पहले से ही छोड़ चुके हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे अपने अपने काम लग चुके हैं, अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं। तो आपके लिए जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने नहीं छोड़ी है उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा और उनको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फिर के साथ फिर भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं के साथ, तब तक ले जय हिंद।